सत श्री अकाल जी, कैनेडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। तो पब्लिक या प्राइवेट कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये 22 मार्च की अपडेट है IRC की तरफ से। IRC ने कहा कि ग्रेजुएट करते हैं आप प्रोग्राम जो है अपना पब्लिक प्राइवेट जो लाइसेंस अरेंजमेंट कॉलेज हैं, अब वो एलिजिबल नहीं होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए 15 मई 2024 से। अब जो ये पहले जो डेट थी वो थी 1 सितंबर 2024 से, पर अब ये डेट चेंज कर दी है, अब इस डेट को कर दिया है 15 मई 2024 तक। यानी कि अगर जो पब्लिक या प्राइवेट कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो अब जो बच्चे वहाँ से कोई ग्रेजुएट कोर्स करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे 15 मई 2024 से। तो एकदम से ये डेट चेंज इसलिए करी है कि क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज जो एडमिशन जो ले रहे थे वो अगस्त 2024 के ले रहे थे, तो ये IRC को पता लगा तो इमीडिएटली उन्होंने डेट चेंज कर दी है। पर अब यही बच्चे दूसरे प्रोग्राम में, जैसे प्रोग्राम ये कोर्स जो है इन्होंने कंप्लीट कर दिया तो ये वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, वो उसमें LMI लेके अपना वर्क परमिट कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे क्लोज वर्क परमिट कहा जाएगा। पर उन्हें जब उनका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो जो बच्चे हैं जहाँ लेबर की शॉर्टेज है वहाँ जाके LMI ले सकते हैं और काम कर सकते हैं, तो क्लोज वर्क परमिट उन्हें मिलेगा, पर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वो एलिजिबल नहीं है 15 मई 2024 से। ये बहुत बड़ी अपडेट है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, इमीडिएटली उन्होंने डेट चेंज कर दी, अब 15 मई 2024 तक कर दी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।